नाम से मान गया, जिसका नाम एक ओंकार से जुड़ गया, जिसका नाम उस एक परमेश्वर से जुड़ गया, उस रमे हुए राम से जुड़ गया, उसे किसी बात का डर नहीं रहता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभु भावे, कहने लगे शगुन अपशगुन तो छोटी बात है, उन्हें जमों का भी डर नहीं रहता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, चमदूतों का भी डर नहीं रहता। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले के समय की घटना बीच में याद आती दास को, जैसे एक दो घटना पहले भी सुनी है ना सतनाम कौर वाली, वैसे ही उनके एक सिख के साथ हुई। वो भी वो सिख जो कभी कभार आता था महापुरुषों के पास, ना उसने अमृत छका हुआ, ना ही उसका ऊंचा सूचा कोई जीवन, उल्टा गलत काम बहुत करता था, ऐसे जैसे हम लोग होते। पर एक काम करता था, एक पाठ श्री जपजी साहब जी का करता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक, कथा भी श्री जपजी साहब जी के चल रही है, पॉइंट बीच में आ गया जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभु भावे। मौत हो गई उसकी, धर्मराज के पास ले गए, दास शॉर्ट में बता रहे। तो धर्मराज ने कहा भाई इसको नहीं दूसरे को लाना था, तो वापस भेजा। जब वापस आया ना तो संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले के पास गया और सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं मर गया था। तो संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले मुस्कुरा के कहने लगे तुझे पीटा नहीं जमदूतों ने, तेरा जीवन तो बड़ा गिरा हुआ है। तो कहने लगा मैं भी हैरान था इस बात पे, पर मुझे उसका जवाब मिल गया। धर्मराज ने उनसे कहा कि इसे सत्कार से छोड़ के आना, ये गुरु नानक की बाणी श्री जपजी साहब जी पढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हाथ मत लगाना इसे, सत्कार से इज्जत से छोड़ के आना, चाहे इसका जीवन गिरा हुआ है पर ये बाणी गुरु नानक की पढ़ता है, इसका लेखा जोखा गुरु नानक के पास हम हिसाब नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो करेंगे इसके साथ गुरु नानक जी करेंगे। इचार कीजिए जपजी साहब जी की बाणी की ताकत का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले खुलकर यह संगत में बात बताई कि श्री जपजी साहब जी की वाणी वो ताकत है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हिसाब होगा। पर गुरु नानक धर्मराज के हाथ में नहीं है सिक्का हिसाब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ो। और ये वाणी तो वो है जो इससे जुड़ गया उसका जीवन भी बदल जाएगा, गिरा हुआ जीवन भी उठा देगी ये वाणी, क्योंकि एक एक करके पौड़ी चढ़ेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, मिलाप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सीढ़ी चढ़ने का भाव क्या, जीवन का तल ऊंचा उठते जाना, एक एक करके ऊपर उठते जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दुख तब तक है जब तक दो है, एक हो गया सुख की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी सदा के सुख की। नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके बाद दुख नहीं जब सुरत एक से जुड़ गई। जब तक सुरत का खिंडाव है ये दुख का कारण है। एक बड़ी प्यारी घटना भगत तुलसीदास जी के जीवन की है। भगत तुलसीदास जी को बंदगी करते हुए सारा जीवन बीत गया, कई महापुरुषों के पास गए, कई कुछ किया, दिन रात नाम जपा, प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्राप्ति कैसे हुई वो घटना बड़ी प्यारी है। भगत तुलसीदास जी विचारों में खोए हुए एक संकरी गली में से गुजर रहे हैं। गांव की संकरी गली होती है ना, दोनों तरफ घर हो, बीच में छोटी सी गली हो, इतनी छोटी कि एक आदमी गुजर सकता हो, दूसरा अगर आए तो टकराने का डर हो, लंबा रास्ता है, संकरी गली में से वो गुजर रहे हैं। सामने से एक औरत सर पर कचरा उठाकर आ रही है, गीला कचरा, टोकरी भरी हुई है कचरे से, उसमें से कचरा बह भी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भगत तुलसीदास जी स्नान करके आए हुए हैं, सुच्चे वस्त्र हैं, वहां से गुजर रहे, दूर से देखा वो आ रही है। अब दोनों काफी आगे आ चुके हैं। भगत तुलसीदास जी कहने लगे अब टक्कर होना पक्का है, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा वरना टकरा जाऊंगा। वो भी देख रही के सामने भगत तुलसीदास जी आ रहे हैं, जगह है नहीं, कीचड़ से भरी हुई टोकरी है।
जब दोनों पास में आए तो अक्सर होता है ना कि जिस बात का डर हो वही हो जाता है, बचते बचाते टक्कर होने लगी। जैसे टक्कर होने लगी वो कचरे वाली बोल पड़ी, भगत तुलसीदास जी एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, मेरा जाना कुछ नहीं, आपका रहना कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक तरफ हो जाओ, मुझे जाने दो, मेरा जाना कुछ नहीं, आपका रहना कुछ नहीं, एक तरफ हो जाओ, बीच में मत रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी जिनका सारा जीवन बंदगी में व्यतीत हो गया, प्राप्ति ना हुई, कपाट खुल गए उस कचरे वाले की बात सुनकर कि एक तरफ हो जा, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे तू आज से मेरी गुरु। वो कहने लगे मैं तो कचरा उठाने वाली, मैं कहां से गुरु, आपको क्या हो गया। कहने लगे नहीं, सारा जीवन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं भूल कहां पे कर रहा हूं, आज तूने कह दिया एक तरफ हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरा रहना कुछ नहीं, बीच में मत चल। और मैं बीच में ही चलता आ रहा था, इसकी पूजा उसकी पूजा, इसको खुश करना उसको खुश करना, आज तुझे मुझे ज्ञान दे दिया कि एक तरफ हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कपाट खुल गए भगत तुलसीदास जी के कचरे वाले की बात सुनकर। हैरानी की बात ये है, यहाँ पर गुरु नानक पातशाह सारे गुरु सारे बड़े बड़े ज्ञानी हमें उपदेश दे दे के थक गए कि एक तरफ हो जा, हम एक तरफ होने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमने तो भाई सबको खुश करना है। भगत तुलसीदास जी ने ज्ञान ले लिया कचरे वाले से, हम गुरु से ज्ञान लेने को तैयार नहीं। सोचो हमारी मेंटेलिटी कितनी गिरी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अरदास करो गुरु नानक से, पातशाह हमारी सुध को ऊपर उठा, ये भी तू ही कर, हमारे बस का काम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे हैं, सियाणा किसान जो होता है जब फसल बोता है बीज बोता है तो दो बातों का ख्याल रखता है। एक, पहले बीज चेक करता है, बीज सही है, सही क्वालिटी के हैं, क्योंकि बीज ही सही ना हो तो फसल क्या होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरा ख्याल रखता है कि ऋतु मौसम कौन सा है, कौन सा बीज डालना है किस मौसम पे। अगर ये दो चीजों का ख्याल रखे किसान तो फसल अच्छी होती है। अच्छा समझाते यही लॉजिक यही ज्ञान यहां पर काम आता है। जे एक होय ता उगवे, बीज साबुत होगा एक होगा तो उगता है। दाल ले लो, अगर आधी आधी है तो वो बीज नहीं है, दो टुकड़े हैं अगर उसके तो वो बीज नहीं है, साबुत दाल बीज होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीज किसी भी चीज का साबुत होता है, अगर उसके दो टुकड़े हो जाए तो वो बीज नहीं कहलाता, वो खराब बीज है जिसकी फसल नहीं उगेगी। जे एक होय ता उगवे, अगर तू एक का ध्यान धर के नाम जपेगा, मन में एक को बसा के, तो तेरा जपा हुआ नाम प्रफुल्लित तो होगा, वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे रुत लिखी है, रुति हूँ रुत होए, रुत का ध्यान रखना है। समा कौन सा है, बीज है नाम, एक का नाम, और समा कौन सा है, समा है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये रुत है। अन रुत नाही नाही मत भरम भूलो बोलो, अब कल्लू आयो रे एक नाम बोगो बोगो। समा है अमृत वेले का, बीज है एक नाम का, जो इस वक्त बो देगा उसकी फसल उसके उसको प्राप्ति हो जाएगी, उसकी बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसका जपा हुआ नाम प्रफुल्लित होगा। एक ओंकार, एक ओंकार।